नमस्कार, हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वास वायु के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो श्वास वायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहले है अल्प प्राण तथा दूसरे है महाप्राण। तो चलिए अब इन्हें समझते हैं। अल्प प्राण, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर से कम मात्रा में बाहर निकलती है, वे अल्पप्राण वर्ण कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए जितने भी स्वर हैं, वे सभी अल्पप्राण वर्ण की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ व्यंजन भी है जो कि इस प्रकार है, क, ग, न, च, ज, न, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, तथा य, र, ल, व। महाप्राण, ऐसे वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुखविवर से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वे महाप्राण वर्ण कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए ख, घ, च, ज, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, तथा ह महाप्राण वर्ण की श्रेणी में रखे गए हैं।